फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। लोकसभा में देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर आज चर्चा होगी। पिछले दिनों ऊना समेत कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां दलितों के साथ भेदभाव और क्रूरता की गई। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। बीएसपी नेता मायावती की ओर से कई बार इन घटनाओं को संसद में उठाया गया है और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से बयान देने की भी मांग की थी। मायावती के अलावा कई दूसरे दलों के नेताओं ने भी इन घटनाओं को पीएम से जवाब मांगा था। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कल कहा था कि केंद्र सरकार को चर्चा कराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और वो सदन में इसके लिए तैयार है। विपक्ष के बार बार दबाव के चलते कश्मीर के हालात पर कल राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घाटी में जो भी चल रहा है वह पाकिस्तान प्रायोजित है, लेकिन हम पाकिस्तान से अब कश्मीर पर नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर पर ही बात करेंगे। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में चर्चा के बाद कहा कि कश्मीर मुद्दे पर सरकार ने 12 अगस्त को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि कश्मीर में लगातार कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, हालांकि अभी हालात सामान्य नहीं है वहां पर, मगर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति जल्दी ठीक हो। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद में बोलने की बजाय गंभीर मुद्दों पर सदन के बाहर बोलना पसंद करते हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए आतंकी बहादुर अली को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई खुलासे किए हैं। एनआईए ने कल बहादुर अली के काबुलनामे का वीडियो दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जांच एजेंसी ने बताया कि आतंकी बहादुर अली को जमात उद दावा ने रिक्रूट किया था, बाद में लश्कर ए तैयबा को सौंप दिया गया। बहादुर अली ने लश्कर द्वारा दी जाने वाली तीनों ट्रेनिंग ली है। लश्कर ने उसे ट्रेंड करके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने और स्थानीय लोगों के बीच घुल मिलकर तनाव उत्पन्न करने के लिए कहा था। बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली को 25 जुलाई को एक 47 राइफल, ग्रेनेड और लॉन्चर के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने बताया कि बहादुर अली के पास से मिले कोड से पता चलता है कि उसे बहुत हाई ग्रेड लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। केंद्र कैबिनेट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी। सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा पहले से ही मिल रही है। नए बिल में ये भी प्रस्ताव है कि जो महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। साथ 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर को बच्चों की देखभाल के लिए अपने यहाँ एक क्रेंच भी बनाना होगा। बिल को आज संसद में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है। हिंगोलिया गौशाला में गायों के मरने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में कल लगातार 8 घंटे तक सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई में गायों के मरने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जगह गौशाला की जगह वधशाला बन दी जा रही है। इस बीच राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज गौशाला का दौरा करेंगे। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि धर्म से कानून निकला है, ना कि कानून से धर्म निकला है। गोपाष्टमी भारत में ही मनाई जाती है, इसलिए गायों की सेवा करनी चाहिए। कोर्ट ने इस बीच एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजी को कोर्ट में बुलाकर कहा कि यहाँ सारे अधिकारी भ्रष्ट लगे हैं, इनकी जांच कर रिपोर्ट दीजिए। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट में एसओजी ने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लापरवाही की वजह से दलदल में फंसकर भूखी प्यासी गायों के मरने की वजह बताई गई। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए विकास दर के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के विकास दर में इस साल भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ताजा आंकड़े से बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। जेडीयू इसे फर्जी आंकड़े बता रहा है तो विपक्ष सरकार को नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। हालांकि ये अभी फाइनल आंकड़ा नहीं है। पिछले कई सालों से CSO द्वारा जारी विकास दर के आंकड़ों में बिहार अव्वल दर्ज पर था, लेकिन पिछले वर्ष बिहार के विकास दर में गिरावट आई है। CSO द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने विकास दर को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए कहा कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसका भी सरकार अवलोकन करा रही है।
उन्होंने कहा कि जारी आंकड़े में कृषि के विकास की कोई चर्चा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े को सरकार वास्तविक आंकड़ों को संग्रह करने के बाद उजागर करेगी। महंगाई की मार से परेशान 20 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सभी सांसद निधि की राशि को बढ़ाने के मुद्दे पर पीएम से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान खुद सांसदों ने मोदी से सांसदों का वेतन बढ़ाने की भी मांग रखी। तब लगे हाथ पीएम ने सांसदों को सलाह दी कि वे अपने खर्चों में कमी लाए। सांसदों ने पीएम मोदी को सांसद निधि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के 255 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल और ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाले ज्यादातर सांसद बीजेपी के थे। पीएम मोदी ने समय की नजाकत देखते हुए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सांसद निधि बढ़ाने पर सरकार जरूर विचार करेगी। रेलवे सभी सांसदों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देगा, जिसके माध्यम से वे रेलवे टिकट बुकिंग करा सकेंगे और इसे एक से अधिक टिकटों की बुकिंग में किसी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। ये जानकारी खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी है। प्रभु ने प्रश्नकाल में कहा कि संसद सदस्यों द्वारा उनके नाम से कराई जाने वाली मल्टीपल बुकिंग के कुछ मामलों का पता चला है। बहरहाल फर्जी तरीके से बुकिंग का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से वे रेलवे टिकट बुकिंग करा सकेंगे और इसे एक से अधिक टिकटों की बुकिंग में किसी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। प्रभु ने कहा कि किसी ने अगर दुरुपयोग करने का प्रयास किया तो सांसद के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, इससे दुरुपयोग की समस्या समाप्त होगी, दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए करीब 80 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हालांकि पार्टी अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं करने वाली है और इसके लिए सही समय का इंतजार कर रही है। बताया जाता है कि उम्मीदवारों के चयन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अहम भूमिका निभाई है। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार पर अपना जोर जब लगाया हो, लेकिन पार्टी के भीतर चुनावी तैयारियां पहले के मुकाबले तेज पर है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने राज्य की 403 सीटों में से करीब 80 पर उम्मीदवार तय कर लिया है। हालांकि कोई भी नेता या अधिकारी अभी इस और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पार्टी को डर है कि चुनाव में अभी काफी वक्त है और अभी नामों की घोषणा पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक सकती है। केजरीवाल सरकार ने मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी सर्विस की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि नई पॉलिसी के मुताबिक ओला और उबर जैसे कंपनियों को जीपीएस की बजाय मीटर लगाना अनिवार्य होगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि एक हद से ज्यादा किराया नहीं ले सकते, साथ ही स्कीम बनाने के लिए भी हाईकोर्ट ने कहा है। दिल्ली सरकार स्कीम बना चुकी है और जल्द ही उपराज्यपाल से अनुमति मिलते ही लागू किया जाएगा। केजरीवाल सरकार की नई पॉलिसी में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया का उपयोग करके दहशत फैलाने वाले आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया सईद पर ट्विटर के बाद अब यूट्यूब ने भी गांज गिराई है। यूट्यूब ने इसका अकाउंट को बंद कर दिया है। इस पर आतंकी सईद लगातार अपने स्पीच के वीडियो अपलोड करके भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। जानकारी के मुताबिक यूट्यूब चैनल ने हाफिज के स्पीच के सभी वीडियो के URL को भी ब्लॉक कर दिया है। इस वीडियो में भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले ट्विटर ने भी हाफिज सईद के अकाउंट को बंद कर दिया था। शराबबंदी पर अकेले पड़ गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शराबबंदी को लेकर उठाए कई फैसले विवादित होने के बाद गठबंधन ने भी संयोग से किनारा कर लिया है। आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने शराबबंदी के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। बिहार में शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार हीरो तो बन गए, लेकिन शराबबंदी के लिए उनका सिंघम स्टाइल उनके लिए चौतरफा मुसीबत बन रहा है। शराबबंदी को हर हाल में लागू कराने के लिए नीतीश ने ऐसे तीन बड़े फैसले लिए, जिसको लेकर विरोधी ही नहीं उनके अपने भी उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में शराबबंदी को लेकर सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। बिहार में नीतीश की JDU और लालू की RJD मिलकर सरकार चला रही है, मगर RJD के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश के फैसलों पर सवाल उठाया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश ने शराबबंदी कानून की खत्म करने को कहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान गवर्नर रघुराम राजन ने अपने खिलाफ राजनीति आक्षेपों को ओछापन करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे पहले अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ और समय रुकने को लेकर हो सकते थे, लेकिन वे दूसरा कार्यकाल नहीं लेने के अपने निर्णय से पूरी तरह खुश हैं। राजन का 3 साल का कार्यकाल अगले महीने खत्म रहा है। उन्होंने जून में ही कह दिया कि वे इस पद पर दूसरा कार्यकाल नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां वो रुकने को लेकर सहमत हो सकते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे सरकार में पुनर्नियुक्ति या भविष्य में सरकार में कैरियर को लेकर कभी चिंतित नहीं रहे। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को समाप्त हो रहा है और उसके बाद उनकी फिर से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जाने की योजना है। मुंबई पुलिस कथित किडनी प्रत्यारोपण रैकेट मामले में गिरफ्तार किए गए LH हीरा नंदानी अस्पताल के CEO और 4 चिकित्सकों के एजेंटों और किडनी दानदाताओं के बीच धन के आदान प्रदान में शामिल होने या नहीं होने समेत मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कल पुलिस ने स्थानीय अदालत को ये जानकारी दी। इस बीच अदालत ने 5 लोगों को शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन्हें राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग के निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। निदेशक ने जांच में उनका नाम लिया है। पुलिस ये भी पता लगाना चाहती है कि कथित रैकेट में शामिल चिकित्सकों, एजेंटों और दाताओं के बीच क्या धन का भी कोई आदान प्रदान हुआ है या नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन के एक मामले में उनके परिसर से जब्त दस्तावेजों को अपने पास रखने की अनुमति मिली थी। कोर्ट के प्राधिकार के फैसले को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका विचारत स्वीकार की और इस आवेदन और मुख्य याचिका की अहमियत पर ईडी की आपत्तियों पर भी गौर किया। सिंह ने अपने संशोधित आवेदन में कहा कि जब्त सामग्री अपने पास रखने के लिए एक प्राधिकार के सामने ईडी की याचिका पर जवाब दायर करने का उन्हें मौका देने से पहले दस्तावेज रखने की अनुमति दे दी गई। अपनी मुख्य याचिका में सिंह ने उनके परिसरों पर छापेमारी और बरामदगी के कारण पूछे थे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का 3रा टेस्ट सेंट लुसिया में खेला जा रहा है। भारत की पहली पारी में बनाए 353 रनों के जवाब में खेलने उतरी कैरेबियाई टीम ने सदी हुई शुरुआत की और दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेट हेड 53 रन और ब्रेवो 18 रन बनाकर पिच पर जमे हुए हैं। वही टीम का एकमात्र विकेट जॉनसन के रूप में गिरा जिन्हें 23 रन के निजी स्कोर पर राहुल ने रन आउट कर दिया। कैरेबियाई टीम अब भी 246 रनों से पीछे चल रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने अश्विन और साहा की शतकीय पारियों की बदौलत पहली पारी में 353 रन बनाए। एक वक्त महज 126 रनों पर ही 5 विकेट खो चुकी भारतीय टीम को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर मजबूती दी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।